भारतीय स्टेट बैंक की वृंदावन शाखा की एक उपभोक्ता के खाते से हैकर्स द्वारा हजारों की नकदी पार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर थाने पहुंची पीड़ित महिला अधिवक्ता ने बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठाकर पुलिस को तहरीर दी है। गोविंद घेरा निवासी अधिवक्ता सारिका शुक्ला के अनुसार 1 सितंबर की सुबह 5 बजे उनके फोन पर एक SMS आया, जिसमें उनके बैंक अकाउंट से पैसे कटने की जानकारी दी। जब महिला ने अपना बैलेंस चेक किया तो पता चला कि ATM के जरिए उनके खाते से 13,341 रुपए बैंक अकाउंट से कट चुके हैं। महिला ने इसकी शिकायत जब बैंक अधिकारियों से की तो वह पल्ला झाड़ने लगे और मामले में पुलिस से शिकायत करने की बात कहने लगे। इधर महिला ने बैंक की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित ही नहीं है तो लोग कैसे बैंक पर विश्वास करें। वहीं इस संबंध में शिकायतकर्ता सारिका शुक्ला ने जानकारी दी। आज थाने आई हैं आप, क्या मामला हुआ? सर, मैं आई हूँ, मेरा अकाउंट से पैसा निकल गया है, इवन मुझे पता भी नहीं कि कैसे निकला। मेरे पास OTP भी आया है, मेरे पैसे कटेगा। जब मैंने चेक किया तो मेरा अकाउंट से 13,341 रुपया निकल चुका है। ये कब आपके मैसेज आया, कब पैसे कटे आपके अकाउंट? मेरे पास SMS आया है 1 सितंबर को। इवन मैंने जब 2 तारीख को देखा ये SMS, तो फिर मैंने तुरंत तत्काल से अपना ATM ब्लॉक कराया। मैंने कंप्लेन भी की है SBI के, मैंने मैनेजर को ईमेल भी किया है, मेरे को अभी तक कोई रिलीफ नहीं। तो आपने कुछ खरीदारी या कुछ किया था क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है। इवन मैं तो 5 बजे कौन शॉपिंग करेगा, 5 बजे का SMS है मेरे पास मॉर्निंग में। कितने रुपए निकले थे? 13,341। आप थाने आई हैं, आपने तहरीर दी है जी। क्या आश्वासन मिला है? वो बोले है कि अभी जा रहे हैं, पहले बैंक से पूरा पता करेंगे कि किस चीज़ में पैसा निकला है, उसके बाद आपको रिलीफ। क्या लगता है बैंकों को भी इसमें कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, जिस तरीके से ये घटना है? डिजिटल चल रहा है तो हम लोग सेफ कहाँ हैं? जब पैसा बैंक में भी अकाउंट में भी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ रखें हम लोग पैसा, ये बताइए। बैंक किस लिए होता है? हम लोगों को पता नहीं है ATM में से पैसा निकल जा रहा है हमारे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनको तय करनी चाहिए। हम ना बैंक को अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अब देखिए, हम पुलिस में आए, ये लोग क्या करते हैं? सब लोग बोले साइबर सेल में जाइए आप, देखते हैं अभी यहाँ क्या होता है। सर ने आश्वासन पूरा दिया है कि जा रहे हैं, मैंने EFIR भी किया, मैं यहाँ भी आई हूँ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।